बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने वर्ड प्रोसेसर के टॉपिक का आगाज किया था, जिसमें हमने वर्ड प्रोसेसर की पहली टाइप सिंपल वर्ड प्रोसेसर के अंदर टेक्स्ट एडिटर की डिटेल देखी थी। और दोस्तों, हमने ये देखा था कि आप टेक्स्ट एडिटर में किस तरह इंसर्शन, डिलीशन, कॉपी पेस्ट वगैरह को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम वर्ड प्रोसेसर की दूसरी टाइप फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर की डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर का अगर आप नाम देखें तो उसी से आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि इस तरह के वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के तमाम फीचर्स मिल जाएंगे। यानी जो पीछे हमने एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर के बेसिक फंक्शनैलिटीज को देखा था, इंसर्ट, डिलीट, कट, पेस्ट, कॉपी, फाइंड, रिप्लेस वगैरह के फंक्शंस तो आपको मिलेंगे, साथ के साथ और एडवांस फीचर्स भी आपको इस वर्ड प्रोसेसर में मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सिंपल वर्ड प्रोसेसर में आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट यानी अल्फाजों पर ही काम कर सकते थे, जबकि फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर में आप तस्वीर, ग्राफिक्स, टेबल्स, चार्ट्स, ऑडियोस, वीडियोस पर भी काम कर सकते हैं। इनको भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के वर्ड प्रोसेसर्स जो बेसिक्स के अलावा एडवांस फीचर भी प्रोवाइड कर रहा हो, उस इस तरह के वर्ड प्रोसेसर को फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर का नाम दिया जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो एडवांस फीचर्स कौन से हैं, तो आइए हम आपको एडवांस फीचर्स की डिटेल देते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो एडवांस फीचर है वो है फाइल मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसे कि हम पीछे भी आपको बता चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसर्स का काम होता है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, और आपके कंप्यूटर में हर एक डॉक्यूमेंट को एक इंडिविजुअल फाइल कंसीडर करता है। अगर आप एक वर्ड प्रोसेसर के जरिए 10 डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुके हैं, विच मींस के आपके कंप्यूटर में वो 10 यानी 10 टेक्स्ट फाइल की शक्ल में मौजूद है। इससे हमें ये पता लगा कि कंप्यूटर में हर एक डॉक्यूमेंट दरअसल एक फाइल होता है, और वर्ड प्रोसेसर के जरिए आप अगर एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप एक फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, और फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर के जरिए आप सिर्फ फाइल्स को क्रिएट नहीं कर सकते बल्कि डिलीट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, और अगर बहुत सी फाइल्स मौजूद हैं तो उनमें से किसी एक फाइल को सर्च भी कर सकते हैं। यानी एक फाइल पर जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो तमाम एक्शंस आपको ये फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है। दोस्तों, आइए अब मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाती हूँ। दोस्तों, ये आपके सामने एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है, और यहाँ पर आपको टॉप पर बहुत सारे मेन्यूज नजर आ रहे होंगे, जिनमें जो सबसे पहला मेन्यू है वो कहलाता है फाइल मैनेजमेंट मेन्यू। यहाँ पर फाइल का नाम भी आपको नजर आ रहा है। अब जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक लिस्ट शो हो गई, कि इस लिस्ट के जरिए आप एक नई फाइल, एक न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं, पुरानी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, फाइल्स को मेमोरी में सेव करा सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फाइल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी जो कि आपको एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी आपको आपका फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है वो है फॉन्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, फॉन्ट के मानी होते हैं कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी लफ्ज को, किसी भी टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन में लिखना चाहते हैं तो ये कहलाता है फॉन्ट। और फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट का फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब आइए किस तरीके से कर सकते हैं इसकी डिटेल्स मैं आपको प्रैक्टिकली देती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है, और यहाँ पर अब हम फॉन्ट स्पेसिफिकेशन को देखने वाले हैं। तो फॉन्ट स्पेसिफिकेशन के मानी होते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, या फिर उसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी साइज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की, दोस्तों यहाँ पर आपको दो मेन्यूज नजर आ रहे होंगे। ये जो पहला मेन्यू है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है फॉन्ट, यानी आप अपने इस मेन्यू के जरिए आपको बहुत सारे फॉन्ट्स की लिस्ट नजर आ रही होगी, और उनमें से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट का वो फॉन्ट यानी डिजाइन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने लिखा है मकतब, मैंने इसको सिलेक्ट किया
और यहाँ से मैंने कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर लिया ये, तो आप देख सकते हैं कि अब इसका स्टाइल, इसका डिजाइन चेंज हो चुका है, तो ये कहलाएगा फॉन्ट स्टाइल। इसी तरीके से आप फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपने इसको दोबारा से सिलेक्ट किया और फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए यही इसके बराबर में आपको यहाँ पर नंबरिंग नजर आ रही होगी, तो आप सिंपल यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर जो भी साइज सिलेक्ट करेंगे आपका जो टेक्स्ट है उसी के हिसाब से उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो ये भी फीचर आपका फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर आपको प्रदान करता है। इसके बाद है ग्राफिक्स। दोस्तों फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर्स का जो सबसे एडवांस ऑपरेशन है जो उन्हें सिंपल वर्ड प्रोसेसर से डिफर करता है, अलग करता है, वो है ग्राफिक्स का फीचर। यानी सिंपल वर्ड प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर काम कर सकते हैं, जबकि हमारा ये फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर में आप हर तरह के ग्राफिक्स, तस्वीरें, टेबल, चार्ट्स वगैरह ना सिर्फ इंसर्ट कर सकते हैं बल्कि आप विद इन द डॉक्यूमेंट खुद से ग्राफिक्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। आइए कैसे हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। फ्रेंड्स, फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर में अगर आपको ग्राफिक्स को ऐड करना है अपने इस किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो आपको जो मेन्यू सिलेक्ट करना है वो होगा इंसर्ट, यानी पहले फाइल है, फिर होम है और थर्ड पे है इंसर्ट। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले टेबल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप टेबल को सिलेक्ट करके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी आप टेबल की लेंथ, कॉलम और रो सिलेक्ट करेंगे वैसा ही टेबल आपको आपके डॉक्यूमेंट में नजर आता हुआ नजर आ जाएगा। इसी तरीके से पिक्चर्स के जरिए आप अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं शेप्स के जरिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट शेप्स मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्राफिक्स क्रिएट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं जिनके जरिए आप कोई भी यहाँ से ग्राफिक्स को उठाकर कोई भी पिक्चर आप बना सकते हैं। इसी तरीके से स्मार्ट आर्ट चार्ट्स के जरिए आप डिफरेंट चार्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तमाम फीचर्स थे जो कि आपको आपका फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है, जिसके जरिए आप टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये आमतौर पर मैगजीन्स, अखबारात वगैरह में आपने देखा होगा कि अल्फाज तो वहां होते हैं लेकिन साथ के साथ पिक्चर्स भी आपको नजर आ रही होती हैं। तो वो किस तरह होता है, वो इंसर्ट के मेन्यू में जाकर आप ये तमाम चीजें सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ग्राफिक्स को ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है फुल फीचर का, वो है हेडर, फुटर्स एंड पेज नंबरिंग। दोस्तों एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल पेजेस पर मुश्तमिल होता है और अक्सर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम पेजेस के टॉप या फिर बॉटम में कोई लोगो लगा हुआ हो या डेट अपेयर हो, या अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो पेज पर ऑथर, हर पेज पर ऑथर का नाम लिखा हुआ हो, तो ये कैसे होता है, ये होता है हेडर और फुटर के फीचर के जरिए। और फ्रेंड्स हेडर के फीचर के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज के टॉप पर, यानी जो टेक्स्ट जो सबसे ऊपर जो टेक्स्ट अपेयर करवाना चाहते हैं वो असाइन किया जाता है आपके हेडर के फीचर के जरिए, और फुटर के फीचर के जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस के बॉटम पर, यानी आप इस तरह से कोई डेट अपेयर करवाना चाहते हैं, पेज नंबरिंग ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो अगर आपको ऐड करवानी है तो फुटर के फीचर के जरिए आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप हर डॉक्यूमेंट को, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऑफिसेज में 100 पेजेस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, 1000 पेजेस होते हैं, तो अगर आप हर पेज को पेज नंबरिंग देना चाहते हैं तो वो भी आप पेज नंबर के फीचर के जरिए दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी हेडर या फुटर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मेन मेन्यू में आपको इंसर्ट नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप राइट साइड की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर हेडर, फुटर और पेज नंबर का फीचर नजर आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई भी हेडर जो भी आप अपने पेज के अंदर ऐड करवाना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फुटर के अंदर आप बॉटम में, यानी अपने पेज के सबसे नीचे जो भी चीज इंसर्ट कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हर पेज में, आपके डॉक्यूमेंट के हर पेज में आपको वो चीज शो हो, नजर आए, तो वो आप फुटर के जरिए दे सकते हैं। और पेज नंबर के फीचर के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम पेजेस को नंबरिंग असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप पेज नंबर टॉप पर लिखवाना चाहते हैं, बॉटम में दिखाना चाहते हैं, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ से इन तमाम फीचर्स के जरिए सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है लेआउट्स। दोस्तों
लेआउट जो है दोस्तों वर्ड प्रोसेसर में आप हर एक पेज को अलग अलग मार्जिन असाइन कर सकते हैं। ये आमतौर पर तब यूज किया जाता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि जो आपका प्रिंटिंग पेज है, जो आपकी हार्ड कॉपी है, उसमें आपका पेज किस तरह से नजर आएगा, तो उसके लिए आप लेआउट असाइन करते हैं। आइए देखते हैं कि आपको फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर में ये लेआउट कहाँ मिल सकते हैं। दोस्तों ये फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर आपके सामने मौजूद है, और याद रखिए कि आपको जरूरत नहीं है चीजों को ढूंढने की, मतलब आपको जो भी चीज सर्च करनी है आपको ये मेन्यू नजर आ रहा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप इजीली इसको चलाना सीख जाएंगे। अब जैसे कि हमने बात करी है लेआउट्स की, तो यहाँ पर आपको मेन्यू के अंदर लेआउट नजर आ रहा होगा टॉप पर, ये मेन्यू बार कहलाता है, और यहाँ पर आपको लेआउट नजर आ रहा है। आप इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इसका मेन्यू नजर आ जाएगा, जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी पेज को मार्जिन असाइन कर सकते हैं, उसको साइज असाइन कर सकते हैं, लाइन नंबर वगैरह, लेफ्ट पर कितनी उसकी इंडेंट होनी चाहिए, स्पेस कितना होना चाहिए, यानी तमाम चीजें जो भी आप अपने पेज के अंदर डालना चाहते हैं लेआउट से रिलेटेड, वो तमाम चीजें आपको इस मेन्यू के अंदर मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये था लेआउट। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है मैक्रोस। दोस्तों इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टीचर रिजल्ट शीट तैयार कर रही हैं वर्ड प्रोसेसर के थ्रू, तो हर एक स्टूडेंट की रिजल्ट शीट में ऑलमोस्ट तमाम डाटा सेम होगा, नेम सब्जेक्ट्स नेम। अगर आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में आपका नाम डिफरेंट होगा और मार्क्स डिफरेंट होंगे, बाकी सब्जेक्ट के नेम तमाम स्टूडेंट्स के एक जैसे होंगे। इसी तरीके से नेम का कॉलम, मार्क्स का कॉलम वगैरह एक जैसा होगा। और अगर टीचर हर एक स्टूडेंट के लिए ये तमाम चीजें अलग अलग लिखेंगी तो उन्हें वक्त भी ज्यादा लगेगा, और इस वक्त को बचाने के लिए वर्ड प्रोसेसर एक एडवांस फीचर आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस। और मैक्रोस क्या है? जब भी आपको वर्ड प्रोसेसर में एक जैसी कमांड्स बार बार लिखनी पड़ रही हो, तो आप एक दफा उन तमाम कमांड्स के लिए एक मैक्रो बना लें, एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लें, और उसे एक बटन या फिर की स्ट्रोक के जरिए रिप्रेजेंट कर दें। अब जब भी आपको वो टास्क लिखना हो तो आपको वो तमाम टास्क पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जस्ट आपको वो मैक्रो पर क्लिक करना होगा और आपका वो टास्क रन हो जाएगा। विच मीन्स के जो काम आपको करने में 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स लग रहे थे, अब वो एक बटन के जरिए एक सेकंड में परफॉर्म होगा। और इस तरह मैक्रोस के थ्रू आप अपने वक्त को भी बचा सकते हैं। दोस्तों ये था मैक्रोस। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको आपका वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है वो है स्पेल चेकिंग। दोस्तों अक्सर आपको डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं तो स्पेलिंग में गलती भी कर देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। इसीलिए वर्ड प्रोसेसर आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है स्पेल चेकर का, जिसके जरिए अब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो स्पेल चेकर उसको हाईलाइट कर देगा, तो आपको आपकी मिस्टेक का भी पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में ये एक डॉक्यूमेंट आपके सामने मौजूद है, तो अगर आपके वर्ड प्रोसेसर में ये स्पेल चेकिंग का फीचर मौजूद होगा तो जो भी गलती आप कर रहे होंगे वहां पर ये इस तरीके से रेड लाइन के थ्रू आपको हाईलाइट कर देगा कि भाई आपने जो है ये वर्ड इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। और जैसे ही आप वहां पर जाकर राइट क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जो सही स्पेलिंग्स होंगी उनकी डिटेल्स आपको दे देगा, जिसके जरिए आप सही स्पेलिंग को सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को मिस्टेक्स फ्री बना सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको आपका वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है वो है मर्जेस। दोस्तों मर्ज के माने होते हैं मिलाना, यानी एक से ज्यादा चीजों को आपस में मर्ज करना और मिलाना। और वर्ड प्रोसेसर आपको एक बहुत अच्छा फीचर प्रोवाइड करता है मर्जिंग का, जिसके जरिए आप दो या फिर दो से ज्यादा अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को आपस में मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आपको आपका फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है थेसोरस का फीचर, जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद किसी भी वर्ड का सिनोनियम यानी मुतरादिफ वर्ड देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फाइल के अंदर जो मेन मेन्यू है वहां पर आपको ये फीचर भी नजर आ रहा है, तो इसके जरिए आप जो भी वर्ड सिलेक्ट करेंगे उसका सिनोनियम यानी उससे रिलेटेड उसके जैसे जो जो वर्ड्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है डॉक्यूमेंट विंडोज।
दोस्तों वर्ड प्रोसेसर में आप एक वक्त में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पर एक साथ काम कर सकते हैं और हर एक डॉक्यूमेंट एक अलग विंडो के तौर पर आपके सामने मौजूद होगी। इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, और ये आमतौर पर तब बहुत हेल्पफुल होता है जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जो कि छोटे छोटे सब डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरीके से आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स को एक साथ, डॉक्यूमेंट विंडो को एक साथ ओपन कर सकते हैं और एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स पर काम कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी फीचर है जो कि आपका फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है वो है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स एंड इंडेक्सेस। दोस्तों वर्ड प्रोसेसर के थ्रू आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई बुक खोलते हैं, जब भी आप कोई नोट्स वगैरह खोलते हैं तो फर्स्ट पेज पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स का कॉन्टेंट्स आपको नजर आते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि ये बुक कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही जब भी आप वर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है वो आपको टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स का अलग से एक पेज फराहम करती है जिसके जरिए आप अपनी मर्जी के कॉन्टेंट्स डालकर अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फुल फीचर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें आपने देखा कि इसमें क्या क्या फीचर्स मौजूद होते हैं, और दोस्तों इसके अलावा भी अब जो वर्ड प्रोसेसर्स आ गए हैं उसमें इससे भी ज्यादा एडवांस फीचर्स मौजूद हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको वर्ड प्रोसेसर फराहम करता है और अब तक का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर विच इज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसकी हम डिटेल देखेंगे, इसका इंटरफेस देखेंगे और प्रैक्टिकली इसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं या आपको क्या क्या फंक्शनलिटीज फराहम करता है इसकी डिटेल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।